Yes. Next question देखते देखिए क्या? A point on the line has coordinate. एक point है जिसके coordinate दिए हैं. P plus 1, P minus 3, root of 2P. Where P is any real number, कोई भी real number है. What are the direction cosine of the point? ये point कहीं पर भी है तो x equal to P plus 1 दिया है. X equal y equal to P minus 3 दिया है. Z equal to root 2P दिया है. इसका मतलब x minus 1 upon 1 equal to p, y plus 3 upon 1 equal to p, z upon root 2 equal to p. तो मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, y plus 3 upon 1, z upon root 2. दिखने में लगता है कि डेटा इनसफिशिएंट है, डेटा इनसफिशिएंट नहीं, आपको पॉइंट लैम्डा की जगह p लिख दिया बस. अब अगर डायरेक्शन रेशियो पूछे होते तो 1 1 root 2 डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो इनके स्क्वायर का और सम करना पड़ेगा. 2, सॉरी, तो ये आ जाएगा 2, तो 1 by 2, 1 by 2, 1 by root 2, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे जो ए ऑप्शन में दिए गए हैं. राइट, नोट कर लीजिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन में बताया भी था कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी. द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंटेड द फैमिली ऑफ कर्व 10y इक्वल टू c इनटू 1 माइनस e पावर x is, तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट करिए. sec स्क्वायर y dy by dx इक्वल टू माइनस c इनटू e पावर x 1 का 0. अब आपको यहां से c की वैल्यू एक तरह से मिल गई, तो c की वैल्यू क्या हो गई, वो यहां रख दोगे आप, तो 10y इक्वल टू sec स्क्वायर y dy by dx राइट इनटू ई पावर माइनस एक्स, और वो भी माइनस के साथ, इक्वल टू यहां पर ऐसा लिखा था, ऐसा सोचिएगा. अब आपने सी की वैल्यू यहां से निकाली, कोई भी एक काम कर लो, सी की वैल्यू निकाली तो 10 बाय अपॉन 1 माइनस ई पावर एक्स, वो यहां रख दीजिए. तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू, या प्लस ले लीजिए, प्लस कितना हो जाएगा, 10 वाई ई पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर एक्स इनटू डी एक्स इक्वल टू 0. अब अगर ध्यान दें तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, e पावर x 10 y dx प्लस 1 माइनस e पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0, जो b में है. देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया, इसी फॉर्म में सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा. राइट, नोट कर लीजिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या क्वेश्चन है. द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 22 24 33 37 x plus 1 x plus 3 46 47 57 58 in ascending order is 42, already 42 है median. What are the value of 5th and 6th observation? देखिए 5th observation ये है, 6th observation ये ही median है. और median क्या होता है, average of, यानी 2 by 2 equal to 42, ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि x plus 2 equal to 42, यानी x equal to 40. तो ये हो गया 41, ये हो गया 43. तो 41 and 43 is a right answer B, median. अगर even number term हो तो दोनों का sum divided by 2, इससे आप median निकालते हैं. तो x मिल गया तो आपने x यहां रख दिया, यही आपसे पूछा था, क्योंकि ये 5th term है और ये 5th term और 6th term है. राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. What is the minimum value of a square cos square x plus b square sin square x is? अब इसका minimum value पूछा है, वैसे logically आप याद रखिएगा, a sec theta plus b cosec theta का minimum value होता है root a plus root b का whole square. यहाँ पर by chance square दिया है तो आप ऐसा लिखेंगे a plus b का whole square, या 10 के term में भी कर सकते हैं जैसे आप इसे चाहें. ये तो ऊपर चला जाएगा, a square sec square x plus b square cosec square x, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a square plus b square plus a square tan square theta plus b square cot square theta. इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2 root ab, तो ये a square b square से 2 ab बन जाएगा, देन अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा a plus b का होल स्क्वायर, a plus b का मतलब आंसर a होगा, नोट कर लीजिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 25 10 15 plus 10 15 10 50 plus 10 25 10 50.
राइट। अब इनको अगर एंगल ऐड करूं तो तीन एंगल है, 25, 50 और 50, 90 होता है। तो यहां पर आप एक काम करिए, 10 90 को ऐसा लिख लीजिए, 10 15 25 प्लस 50। और आप अगर ध्यान दें तो ये 1/0 होता है, तो डायरेक्टली 10a + b + c का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दिस इक्वल टू 1। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है, क्या होगा आप ऐसा लिखते ना, 10 15 10 25 10 50 minus 10 15 10 25 10 50 by 1 minus 10 15 25, देखिए -10 25 10 50 -10 50 into 10 15। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है क्योंकि 1/0 है तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता 1। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय मॉड एक्स लेस देन 5, वाई इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 8। वाई, देखिए मॉड एक्स लेस देन 5 है मतलब -5 से +5 के बीच में, तो -5 से +5 ये हो गया, वाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सेस हो गया, वाई इक्वल टू 8 ये हो गया, यानी ये पूरा एरिया हुआ। तो ये डिस्टेंस है 5, ये 8, तो ये एरिया 40, तो ये भी 40, तो नेट आंसर इज 80 square unit, राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द फंक्शन fx = sin 1/x, x≠0 और x = 0 पे ही आपको ना f0 0 दिया हुआ है। अब आपको पता अगर ये x sin 1/x होता या x² होता तो हमने ये क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम के थ्रू किए हुए हैं, कंसेप्ट भी बनाया हुआ है। यहां पर अगर जीरो रखेंगे तो ये -1 से +1 पे ऑक्सीलेट करेगा, ठीक जीरो नहीं मिलेगा, तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंटिन्यूस भी नहीं होगा, तो नाइदर 1 नॉर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्स के साथ होता तो हो जाता, भी एक्स के साथ नहीं है तो नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि लेफ्ट और राइट पर एक बार 0 + h पे + मिलेगा, -0 - h पर -, क्योंकि f0 देखिए 0 दिया है, 0 + h और 0 - h आप भी समझ रहे हैं, यहां पर sin 1/h है, यहां पर -sin 1/h है, तो इसलिए सेम वैल्यू नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2, नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई द टू रिग्रेशन लाइन 6x + y = 30 एंड 3x + 2y = 25, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स बार वाई बार एंड आर। देखिए एक चीज समझिए, y इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है y - y1 = b/x (x - x bar) (x - x bar = bxy, y - y bar). इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेसिकली उसे हम बोलते हैं x बार y बार। तो ये आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए जैसे यहां 3 है या 2 है तो 3x + 2y = 35, तो ऑप्शन में अपॉन 9 देखना चाहिए, तो जैसे अगर हम देखें तो 35/9 (3+2×20/3, ये 3 टाइम कैंसिल, ये 35 प्लस ये हो गया 60 बाय, इसमें एक मिनट ये देखिए पहले इक्वेशन क्या क्या दिए, 25 थी, सॉरी यही मैं सोचा था कि क्या हुआ, ये इक्वेशन है 6x + y = 30, क्या रखे कि हो जाए, तो जैसे 6 × 35/9 + 20/3, देखते हैं, देखिए 2 टाइम कैंसिल, 3 टाइम 70 + 20 90/3, यानी x का वैल्यू 35/9, y का वैल्यू 20/3, एक तो ये समझ में आ गया। ऐसा दो ऑप्शन में है ओनली, किस किस में, एक है सी में और एक है डी में। अच्छा, जब इसको आप y की फॉर्म x की फॉर्म में बनाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको y के फॉर्म में बनाओगे तो भी माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब r नेगेटिव होना चाहिए, तो c इज अ राइट आंसर, बिना सॉल्व करे आप आंसर दे सकते थे, बाकी आप इसे बनाते y तो x = -1/6y + 30/6 लिखते, तो ये आता bxy - 1/6, ऐसे इसे x1y बनाते तो 3x y on x, तो 2y = -3x + 25, तो bx आता -3/2। अब देखिए 1/6 × 3/2 करते हैं आप तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता, पर दोनों निगेटिव है इसलिए आर भी
नेगेटिव होगा. इन लॉजिक से भी क्वेश्चंस को बहुत स्पीड में किया जा सकता है. नोट करिए क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. द क्लास मार्क्स इन द फ्रीक्वेंसी टेबल दिए हैं 5, 10, 15, 20, 25, समझाने के लिए 30, 35 ऐसे. द क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट 5 क्लास इंटरवल. देखिए अगर ये 5 है तो आप जबकि 3 और 7 का अगर एवरेज देखें तो 5 नहीं होगा, क्योंकि 7 और 13 में यहां पर 4 का डिफरेंस है, तो ये नहीं है. 2.5 से 7.5, 10/2 ये 5 बिल्कुल ठीक है. 7.5 से 12.5, 20/2, 10. दिस इज द राइट आंसर. बी इज अ राइट इंटरवल. आपसे बोला है कि ये किस इंटरवल का मीडियन है. एक तरह से जब हम क्लास इंटरवल लिखते हैं तो फर्स्ट 5 क्लास ये होगी. 12.5 से देखिए 17.5, यानी बी इज अ राइट आंसर. राइट, नोट कर लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं. द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन. द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4, मतलब 44/10 या 22/5 भी लिख सकते थे. N5 एंड वेरियंस इज 8.24 इफ देयर ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर, इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर, 3 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, देन व्हाट आर द अदर 2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, x और y मान लीजिए, तो x प्लस y प्लस 9 अपॉन 5 इक्वल टू 22/5 दिया, ये कैंसिल, तो x प्लस y हो गया आपका 13. तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन 13 देता है. एक ही है जिसमें 13 है, 9.4 मीन की वो स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी. राइट, तो 9.4 इज द राइट आंसर. बी,